टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। कोरोना महामारी के चलते महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश लॉकडाउन हो गया था। उसी दौरान मुंबई के सभी यातायात की सेवाओं पर सरकार ने रोक लगा दी थी, जिसमें मुंबई की लोकल ट्रेन की सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। हालांकि लोकल सेवाएं आम नागरिक के लिए अभी भी बंद है। आगे सरकार तय करेगी कोरोना काल को देखते हुए कब चालू करना है। बहरहाल सरकार ने रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले व कामकाज के लिए मुंबई व अन्य जगहों पर जाने आने वालों के लिए लोगों के लिए बस सेवा शुरू किया है, ताकि लोग जरूरी कामों के लिए जॉब पर या आ जा सकें। फिलहाल हम ठाणे शहर के कलवा, मुमरा, दीवा, इन इलाकों की बात करते हैं। एक तरफ कोरोना महामारी जो चल रही है और दूसरी तरफ बारिश का मौसम है, ऐसे में सवाल उनके लिए, उन मजदूरों के लिए, उन लोगों के लिए जो रोज काम पर बस से मुंबई जाते हैं, उनके लिए एक चेतावनी व बसों की समस्या सामने आती है। इन्हीं मामलों को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कलवा मुमरा अध्यक्ष व परिवहन सदस्य समीम खान ने आज महासभा में मीटिंग की। उस मीटिंग में क्या बात हुई है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आज जो महासभा में मीटिंग हुई उसके बाद तत्काल अधिकारी किशोर गावस व उनकी टीम ने कलवा, मुमरा, दीवा, सिल इन इलाकों का दौरा किया। कल से 4 बस भारत गेयर से मुलुन जाएंगी, जो पूरे दिन में 16 राउंड भारत गेयर से मुमरा, कलवा, ठाणे होते हुए मुलुन तक, यानी मुलुन चेक नाका तक जाएगी। और जो बस स्टॉप रोड वाइंडिंग में तोड़े गए थे उसे भी जल्द सुधारने का काम जो है किया जाएगा। दौरे पर आए अधिकारी ने इस विषय पर क्या बोले, पहले वो हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कलवा मुमरा अध्यक्ष व परिवहन सदस्य समीम खान ने क्या जानकारी दी है। महासभा में मीटिंग के दौरान क्या प्रस्ताव समीम खान ने रखा था, क्या मांगे हैं उनकी, पूरी इस खबर में आप सुनिए। सर, जिस तरह से लगातार जो है मुमरा कौसा में जो है TMC बसों को लेकर आवाज़ उठ रही है, लोगों को जो है जो TMC बस है उनको नहीं मिल रही, उसको लेकर आप लोगों ने मतलब क्या कहना है और आप लोगों की क्या तैयारी है आगे? नहीं, हम लोग ने पूरी तैयारी करके रखी है। अभी आज ही के दिन ट्रांसपोर्ट समिति के सदस्य समीम खान साहब आए थे, डिस्कशन हो, उसके बाद में इमीडिएटली हम लोग ने ये मुमरा दीवा और शीड़पाटा थ्रू अभी जिधर हम लोग खड़े हैं रिथी बंदर, ये दौरा किया। लोग इधर से लोकल ट्रेन बंद होने की वजह से इधर से बहुत ट्रैफिक बढ़ गया है मुंबई के लिए जाने के लिए। तो हम लोग ने अभी ये कल से डिसीजन लिया है कि कल से रिथी बंदर वाया पोपट अप टू वाया कैडबरी अप टू मुलुन टेकना तक हम लोग 4 बसेज चालू कर रहे हैं मॉर्निंग में और 4 बसेज इवनिंग में। टोटल 16 राउंड होंगे वो बसेज के और इमीडिएटली लोगों को राहत मिली। जहाँ बस स्टॉप पहले थे जो टूट गए हैं, फूट गए हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है? नहीं, रोड वाइडिंग में कुछ बस स्टॉप टूट गए हैं, उसके भी मुआयना हम लोग ने आज किया है। हम लोग का जो ठेकेदार है उसके साथ चर्चा करके बैठे, वो भी हल निकाला है। आज की हमारी सुबह 11 बजे की मीटिंग जो प्रस्तापक जी के साथ में थी, हमारे माननीय हमारे नेता मिस्टर जितेंद्र वाड़ साहब के आदेश अनुसार आज मैं हमारे परिवहन के साथी नितिन पाटिल, मोहसिन शेख और प्रकाश पाटिल और हमारे प्रस्तापक जी, हम लोग आज उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, जिसमें कई सारे इश्यूज़ थे रफीक कामदार साहब, जिसमें सबसे बड़ा इश्यूज़ जो मैंने देखा, बार बार हम इसको नोट करते थे कि हम यहाँ आते हैं रेती बंदर की तरफ तो मालूम पड़ता है कि यहाँ 150 लोगों की लाइन खड़ी है, कतारे में लोग खड़े हुए हैं, और इस तरीके से शहर की जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के आज मैंने ये लेटर भी दिया प्रस्तापक जी को और मैंने उनको दौरा करने के लिए रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने किया। तो आज प्रस्तापक जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने दौरा करके गए और उन्होंने आज ही मैंने जो आवाज़ उठाई थी आज की हमारी इन बातों को समझते हुए, गंभीरता से लेते हुए प्रस्तापक जी खुद आए थे और आकर के उन्होंने हमें ये ऑर्डर दे दिया है और ये बता दिया है कि हमारी सबसे पहले मांग ये थी कि भारत गेट से लेकर के मुंबई तक बस चलाई जाए, क्योंकि मुमरा के लोग यहाँ रेती बंदर आते थे, रेती बंदर आने के बाद उनको बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। आप समझ सकते हैं कि महामारी में आज ट्रेनें बंद है, लोकल ट्रेनें बंद है, लोगों को दिक्कतें पैदा होती थी। इसके लिए हमने मांग किया कि भारत गेट से लेकर के
मुंबई तक बस चलाई जाए, लेकिन जो टीएमटी की बस है वो मुंबई नहीं जा सकती, उसका हद मुलुन है। तो चार बसेस हमको, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रस्तावक जी का कि वो आज आए और उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि चार बसेस हमको वो दे रहे हैं, 16 चक्कर मारेगी ये बसेस भारत गेयर टू मुलुन चकनाका। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, और मैं ये लेटर भी आपको दूंगा जिससे आपके माध्यम से लोगों को डिटेल बता सकें। इसमें भारत गेयर से मुलुन चकनाका मार्ग क्रमांक 71 एकुन 24 बस थे यांचा। इसमें सुबह 6:35 की पहली बस होगी जो भारत गेयर कंपनी से स्टार्ट होगी और वो मुलुन चकनाका पहुंचेगी, और लास्ट बस जो मुलुन जो यहां से जाएगी मुलुन के लिए उसका टाइमिंग है 9:35 आने की। मुलुन चकनाके से भारत गेयर तक पहली बस 7:45 मॉर्निंग, और उसके बाद लास्ट टाइमिंग है इसका 10:20, यानी इस बीच में ये है इनका ऑर्डर। मैं अभी आपको देता हूँ, इसको आप पूरा रिलीज़ करेंगे जिससे हमारे जो परेशानी जो लोग परेशानी में थे उनको टाइम मालूम पड़ेगा पूरा। 8:20 का टाइमिंग है लास्ट। तो ये जो बसेज है ये चार बसेज है और इसकी 16 ट्रिप होगी। इस महामारी में कहीं ना कहीं वो अधिकारी भी बिजी थे और हम लोग भी बिजी थे। एडमिट कराना लोगों को, लोगों की सेवाएं करना, लोगों को उनके गांव तक पहुंचाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे मंत्री जितेंद्र भाट साहब के नेतृत्व में सैयद अली अशरफ भाई साहब, आनंद प्रांतपे साहब, हमारे भाई शानू पठान और रूता भाभी, नजीम मुल्ला साहब, ये हमारे जो नेता हैं, हमारे नगर सेवक, हम सब लोग कहीं ना कहीं महामारी में बिजी थे और ये जितने अधिकारी हैं ये सब बिजी थे, लेकिन ये परेशानियों को देखते हुए आज हमने ये आवाज़ उठाई है। और सेकेंड हमने मांग किया है कि मुमरा कोसा में एक बस डिपो बनाया जाए। बस डिपो की जगह, रिजर्वेशन की जगह मुमरा कोसा में है, हाँ। उसके लिए हमने माननीय मंत्री जी से भी बात किया है, उन्होंने कहा है कि आप उनको दौरा कराओ, उस काम को भी करके हम लोग लेंगे। सेकेंड बात, मुमरा कोसा में कहीं ना कहीं बस स्टॉप की प्रॉब्लम्स है। इस लेटर में हमने मांग भी किया है और आज आवाज़ भी उठाई है कि 16 बस स्टॉप हमको दिया जाए, जिसको लेकर के व्यवस्थापक जी ने वो भी कहा है कि हम आपको 16 देते हैं बस स्टॉप बना करके देते हैं, अच्छा बस स्टॉप, खूबसूरत बस स्टॉप। इसके अलावा हमारी मांगनी ये है कि भारत गेयर से लेकर जो बसेस मुंबई तक चलाई जा रही है, उसके अलावा भारत गेयर से लेकर के भिमंडी तक बसेस जो है कहीं ना कहीं उसमें कमी है। मुझे बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया कि शमीम भाई एक बस आती है, उसके लिए मैंने मांगनी किया है कि कम से कम 2 बस किया जाए। इस लेटर में उसमें ये भी एक उल्लेख किया गया है कि 2 बसेस किया जाए। इसके अलावा हमारी मांगनी है इनके साथ में, जो आज व्यवस्थापक जी ने कहा है कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए आज कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर ये चीज़ है कि महिलाओं के लिए फ्री सर्विस और बस चलाई जाती है, तो उसके लिए भी हमने मांगनी किया है कि ऐसी भी बसें चलाई जाए हमारे थाने सिटी के अंदर, खास करके हमारे हद में ये चीज़ चलाई जाए, ऐसी हमारी एक मांगनी है। और जो अच्छी से अच्छी सुविधा हो सके उस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए हमने मांगनी किया है। हमारा सभापति जी का भी आज तक चुनाव नहीं हुआ, हमने ये भी मांगनी किया है कि हमारे सभापति अगर बैठेंगे तो हमारे जो भी 12 हम लोग सदस्य हैं, हम लोग TMP के, उनको काम करने में आसानी होगी। तो हमने आज मंत्री जी से और हमारे मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से हम ये भी मांगनी किए हैं कि उसके बारे में भी चुनाव कराया जाए, नजीब मुल्ला साहब हमारे जो गठ नेता जी हैं, तो ये सब चीज़ों को लेकर के आज हमारी मीटिंग हुई और काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई। और प्रस्तावक जी खुद आए, आकर के उन्होंने आपके सामने बातों को रखा। मैं आपके माध्यम से ये अपनी जनता को ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि बसेस को लेकर के, जो TMT को लेकर के, परिवहन में जो भी फैसिलिटीज़ हमारी तरफ से हो सकती है, हम लोग माननीय डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब के नेतृत्व में इंशाल्लाह ताला तो अच्छे से अच्छी सुविधा देने का पूरा काम करेंगे। क्योंकि हम लोग जो हम 4 लोगों को भेजा गया है TMT के अंदर, परिवहन के अंदर, हम लोग संगठन के लोग हैं और संगठन को काम चाहिए। हमारा मकसद हमारे जनता को फायदा पहुँचाना है, हमारे जनता को आसानी से उनकी जगह तक पहुँचना है, ये हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि आप लोग दुआएं करें और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन फैसिलिटीज आपको हम लोग देंगे।